खेसारी लाल यादव के टाइटल पर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म। जी हाँ, फिलहाल पिछले साल एक गाना काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और उस गाने को टिकटॉक पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने बनाया। ये गाना वर्ल्ड का चौथा नंबर सबसे बड़ा गाना बना। गाने का टाइटल था ठीक है, जिसे बड़ी मात्रा में लोग पसंद करते, सुनते और इस गाने पर टिकटॉक का वीडियो बनाते। ये गाना इतना वायरल रहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। जी हाँ, ठीक है नाम की फिल्म बनने जा रही, जिसकी शूटिंग फिलहाल बनारस में शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बनारस में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं संतोष मिश्रा। बताया जा रहा है इस फिल्म में सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ अमरपाली दुबे की जोड़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग बनारस में शुरू हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में अमरपाली दुबे नजर आने वाली। हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी जबरदस्त करेक्टर में दोनों नजर आएंगे और दोनों इस फिल्म के लिए अपने आप को काफी प्रिपेयर कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे ये फिल्म एक लव स्टोरी फिल्म होगी जो काफी बड़े लेवल पर शूट की जाएगी। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ राजनीति में शामिल हुए, जिसके बाद 29 मार्च 2019 को दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म ठीक है की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ अमरपाली और कई और बेहतरीन कलाकार नजर आने वाले हैं, जैसे प्रीति ध्यानी, नीरज निराला, अजय सूर्यवंशी और किरण यादव, तेज बहादुर यादव के सहित संतोष पहलवान जैसे बेहतरीन एक्टर इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर आपको हमने बता ही दिया, संतोष मिश्रा, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के काफी बेहतरीन फिल्में निरहुआ के साथ ही बना चुके हैं। आप लोग तस्वीर देख सकते हो किस तरीके से फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। वैसे जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ पटना से पाकिस्तान और मोकामा जीरो किलोमीटर जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं संतोष मिश्रा और इस फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ ठीक है बोलते नजर आएंगे। ठीक है काफी बेहतरीन और खूबसूरत टाइटल है जिसके ऊपर अब फिल्म बनने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट कर अपना सुझाव हमें जरूर दें।